सो गाइस, ये है एक सूट सेट जो कि आया है इस पैकेजिंग में, जो कि इसमें जिप लगा हुआ है। ऐसे मैं अनबॉक्सिंग कर दी हूँ तो मेरे दूसरे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये मैंने ऑलरेडी पैकेजिंग इसका कर दिया है। और गाइस, सच बताऊँ तो प्राइस के अकॉर्डिंग इसका जो पैकेजिंग का स्टाइल था, मुझे बेहद ही पसंद आया। और बहुत ही अच्छे तरीके से जिप वाला ये दिया है, जिसमें आपका कपड़ा सेफ रहेगा और अच्छे से, मतलब फोल्ड करके इसमें पैक करके जिपिट कर सकते हो इसको। तो ये है वो सूट, आई थिंक मेरा शैडो आ रहा है आपको। तो ये है वो सूट का दुपट्टा। तो दुपट्टे की मैं बात करूँ, एक्चुअली ये दुपट्टा सूट और पजामा का सेट है। तो ये जो दुपट्टा है प्योर कॉटन में है। और अभी जैसा कि तो अभी तो रेनी सीज़न चल रहा है, लेकिन ये मानसून में अभी इतना गर्मी हो रखा है कि आप ऐसे कॉटन ड्रेसेस पहन सकते हो। और कल था 30, तो मैंने ये मेहंदी लगाया था। और मैं दूसरी हाथों को भी दिखा रही हूँ, ये मेरा सेकेंड हैंड है। मैंने मेहंदी लगाया था और पिंक कलर का ड्रेस पहना था, जो कि मेरे ब्लॉग में आपने देख लिया होगा। और मेरे सेकेंड चैनल पे आपको पूरा तीज का ब्लॉग मिलेगा। तो ये है ये कॉटन का दुपट्टा, जिसको आप देख सकते हो कि ये मैं क्लोजली दिखाना चाहूँगी। ये देख सकते हो, ये इसको पिको बोलते हैं। तो दुपट्टे में पिको भी करवाने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने पिको करवा के दिया है। तो ये काफ़ी सुंदर दुपट्टा है, जो कि पिको किया हुआ है ऑलरेडी। और ये भी कॉटन है। और इसकी लेंथ की मैं बात करूँ तो बहुत ही लंबी है, बहुत ही लंबी है और चौड़ी भी है। तो दुपट्टा बहुत ही बढ़िया है, पिंक कलर में है। और ये ऑरेंज में इसका सूट है, जो कि ये भी अगेन कॉटन में है। और इसका नेक पे ये जो पाइपिंग का जो डिज़ाइन किया गया है, वो मुझे बहुत ही पसंद आया। भले ही इसका नेक थोड़ा छोटा दिया गया, लेकिन कोई नहीं, ज़्यादा डीप भी हर ड्रेसेस में अच्छा नहीं लगता। कॉटन का अगर ड्रेसेस है तो वो डीप अच्छा नहीं लगता। तो ये प्योर कॉटन में है इसका मटेरियल, और इस पर कुछ ये पिंक कंट्रास्ट में कुछ ये ऐसा नहीं है कि ये ऊपर से किया गया है, ये निकलने वाला में से नहीं है, प्रिंट नहीं किया गया है ये। सो ये निकलेगा बाहर नहीं, वॉश के बाद भी ये नहीं निकलेगा। तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया। और मैंने साइज़ मीडियम मंगवाया था, क्योंकि कॉटन ना थोड़ा सा वॉश करने के बाद वो श्रिंक कर जाता है। तो मैंने ये एम साइज़ का मंगवाया, जबकि होता स्मॉल है, मुझे मतलब आता स्मॉल है। तो सूट और दुपट्टा मैंने दिखा दिया। ये है उसका पटियाला पजामा, जो कि अगेन ये काफ़ी पटियाला है, बहुत ही सुंदर है। आप देख सकते हो इतना ज़्यादा अच्छा है ये। लेकिन मुझे एक चीज़ इसकी, मतलब मैंने मीडियम मंगवाया था, मे बी इस वजह से जो इसका नीचे का जो होता है ना पजामे का एंकल, तो वो थोड़ी मुझे चौड़ी लग रही है। तो मुझे ये थोड़ा सा मतलब स्टिच करवाना पड़ेगा, फिट करवाना पड़ेगा, ऑल्टर करवाना पड़ेगा। तो मैं इसको अब देखती हूँ, अभी ससुराल जाऊँगी तब वहाँ पर अपने हस्बैंड को दूँगी, करवा के लाएँगे वो। तो ये है एक पजामी, तो बताना आप लोग कि कैसा लग रहा है। और ये उसका सूट है, और ऊपर से ये दुपट्टा, ये प्योर कॉटन है, बहुत ही अच्छा मटेरियल है। इवन जब मैं अच्छे से इसके अंदर इसको रख सकती हूँ, इसके लिए मुझे अलग से कोई बैग नहीं खरीदना पड़ेगा। तो वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल है तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और सॉरी, मैं बहुत दिन से पोस्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं अपने गांव में गई थी। और गांव से आने के बाद मैं सोची थी रेगुलर हो जाऊँगी, बट अगेन मतलब माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। मैं ना ऐसी हूँ ओवर थिंकर, कि मेरे को एक सिंगल वर्ड मिलता है ना तो मैं उसका वेब सीरीज बना देती हूँ। तो मुझे बहुत सारे ऐसे चीज़ मेरे लाइफ में हो रहे थे, जिसको मैं सोच सोच के बहुत परेशान हो गई थी। तो ये रहा कुछ मेरा ये सूट, जो कि मैंने आज रिसेंटली मंगवाया इसको। और आप लोग बताना कैसा लगा।